श्री कृष्ण कहते हैं, आपको आपके कर्मों का फल जरूर मिलता है। कर्मों के फल से तो भगवान विष्णु भी नहीं बच पाए थे। दोस्तों, भगवान विष्णु के दो अवतारों में से एक अवतार भगवान श्री राम और दूसरे अवतार भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री राम के कर्मों का फल उनके अगले जन्म यानी श्री कृष्ण के जन्म में उनको चुकाना पड़ा। ये बात है त्रेता युग की। भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, तब माता सीता का अपहरण कर रावण ले जाता है। उसके बाद में माता सीता की खोज में भगवान श्री राम निकल पड़ते हैं। तभी उनकी मुलाकात सुग्रीव से होती है। सुग्रीव, जिन्हें उनके बड़े भाई बाली ने राज से बेदखल कर उनकी पत्नी पर अधिकार जमा लिया था, तब भगवान श्री राम ने सुग्रीव को उनका राज्य और सम्मान दिलाने की वजह से बाली को पेड़ की आड़ में छुपकर तीर से मारा था। अब पेड़ की आड़ में छुपकर श्री राम ने बाली को धोखे से क्यों मारा? वो इसलिए क्योंकि बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त था, जो भी बाली के सामने आएगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। ये बात है त्रेता युग की। युग समाप्त होने पर भगवान श्री राम अपने लोग वापस चले गए और साथ में अपने कर्मों को भी ले गए। इसके बाद विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में अवतार लिया और अपने पूर्व जन्म यानी श्री राम के कर्मों का फल श्री कृष्ण को भोगना पड़ा। वो कैसे? महाभारत के बाद श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ द्वारका जाकर बस गए। महाभारत के युद्ध की वजह से कौरवों का जो वंश था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। तो कौरवों की माँ माता गांधारी ने श्री कृष्ण को एक श्राप दिया था कि तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाएगा। इस श्राप की वजह से यदुवंश में गिनती के लोग बचे थे। इसके ही बीच में श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी बलराम जी, जिन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है, वह अपनी तपस्या में सागर में विशाल रूप धारण करके बैकुंठ लौट गए। इन सबके होने के बाद एक दिन श्री कृष्ण पेड़ के नीचे लेट रहे थे। उस समय एक जरा नाम का एक बहेलिया जो हिरण का शिकार के लिए घूम रहा था, तो उसे एक हिरण की आँख चमकती हुई दिखी। तो उसने अपनी तीर से उस पर वार किया और पास जाकर देखा तो घबरा गया। वो हिरण नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, जो उसकी तीर की वजह से अपने प्राण त्याग चुके थे। दोस्तों, ग्रंथों में बताया जाता है जरा नाम का बहेलिया ही त्रेता युग का बाली था। धोखे से मारने पर बदला लेने जन्मा था। हर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, जैसे श्री राम ने अपने कर्मों का फल श्री कृष्ण के रूप में भोगा। दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलता हूँ नेक्स्ट इसी तरह की बेस्ट स्टोरी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।